गुड आफ्टरनून गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ आप लोगों को मेरे चैनल पे वेलकम है। तो आज मैं दोपहर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए मैं कुही के साथ सो गई थी। पता नहीं कब मेरा आँख लग गई, तो जस्ट अभी मैं उठी हूँ और अभी हुआ है 12:50। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खाना गर्म होने के लिए दे रखा है। अभी कोई सो रही है तो इस टाइम पे ही मैं अपना लंच कंप्लीट कर लूँगी। ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। कोई आजकल बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं खाने के टाइम पे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी वो सो रही है तो मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ और उसके बाद देखा जाएंगे क्या कुछ करूँगी मैं। आज का लंच जो है वो मटर पनीर है। यहाँ पर बन रहे हैं मेरा ओट्स, तो आजकल मैं ज़्यादातर ओट्स ही ले रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुही की वॉर्डरोब। उस दिन मैंने उस ब्लॉग पे बताया था कि मैं कुही की वॉर्डरोब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आई होप सो आज ऐसा हो जाए। कुही अभी सो रही है तो मैं फटाक से लंच करके आ गई हूँ वॉर्डरोब शेयर करने के लिए। ये कुही का पिंक कलर का वॉर्डरोब है और ये जो इसका जो मटेरियल है ये स्टील का है, वुड का नहीं है। हम लोगों ने स्टील का ही रखा है और यहाँ पर ज़्यादातर स्टील का ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए कुही का वॉर्डरोब जो है 6.5 फीट का है ये, और इसको खोलते ही आप लोगों को दिखने लगेंगे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस। तो यहाँ पे अभी कुही इतना छोटी है लेकिन इसका वॉर्डरोब देखिए पूरी तरह से फुल हो गया है और दोनों साइड पे ही कपड़े हैं, हैंगिंग किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है, ऊपर में भी है। तो मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ऊपर में यहाँ पे है कुही का टॉवल्स वगैरह मैंने रखा है, और ये जो बास्केट है यहाँ पे है कुही का मेडिसिन वगैरह जो इमीडिएटली हम लोगों को बेबी के लिए चाहिए होता है, जैसे कि फीवर हो गया या फिर कभी अगर कहीं पर चोट खा जाते हैं तो वहाँ पर लगाने वाले, या फिर राशेस क्रीम वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है। और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन जैसा भी प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वो सब भी मैंने यहाँ पे रखा है। डॉक्टर आप लोगों को ऑलरेडी रेकमेंड करेंगे कि ये सब दवाइयाँ आप अपने पास रखिए। फिलहाल तो अभी ये सब इतना ज़रूरी नहीं हो रहा है, लेकिन बेबी जब छोटी होती है ना तब ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं एक बास्केट खरीदा है और इसके अंदर सारा सामान मैं कुही का रखती हूँ मेडिसिन का। तो ये कुही का बाथ टॉवल जो एक्चुअली बहुत ही हाई पे कैमरा से है, इसलिए मुझे मतलब इस तरीके से बात करना पड़ रहा है। यहाँ पे है कुही का बाथ टॉवल, यहाँ पे है कुही का पीलो कवर्स वगैरह, बेडशीट वगैरह। कुही के लिए हम लोग पहले अलग सा, मतलब कुही जहाँ पे सोती थी वहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा बेडशीट बिछाया करती थी। वो बेडशीट जो है वो मम्मी ने बनाकर दिया था कुही को, और पीलो कवर्स वगैरह भी मम्मी ने ही दिया था कुही को। तो यहाँ पर पीलो कवर है, यहाँ पर बाथ टॉवल्स वगैरह हैं, और यहाँ पर है कुही का मेडिसिन। पे जो आप लोग बैग दिख रहे हैं ये बैग है कुही को, मैं इंस्टेंटली अगर कहीं पे ले जाऊँ तो यहाँ पे मैं कुही का सारा सामान, डाइपर्स, वाइप्स, पानी या फिर खाने का कोई भी सामान, एक कपड़े, तो यहाँ पे मैं ले जा सकती हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और काफ़ी प्यारा भी है। देखिए ये मुझे मम्मी ने दिया था कुही के लिए। यहाँ पर है कुही का सारा फैंसी ड्रेस, और फैंसी ड्रेस के साथ साथ यहाँ पे कुही का कॉटन का भी प्यारा प्यारा सा ड्रेस है, जैसे कि ये वाला ड्रेस। ये मैंने फर्स्ट प्राइस से ख़रीदा था और ये बेबी हग्स का है। काफ़ी प्यारा, काफ़ी प्रिटी सा ड्रेस है ये। इसको शायद मैंने अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल पे ही किया था। सब फ्रॉक है। और
यहाँ इस साइड पे कुही के नानी ने जितना सारा कपड़े दिया है कुही को यहाँ पे है, लेकिन उसी के साथ साथ नीचे भी है। ये सब तो फैंसी ड्रेसेस है कुही का, नानी ने जो भी कुछ दिया है कुही को। और यहाँ पे गिफ्टेड फ्रॉक्स भी है, एंड मैंने भी कुछ फ्रॉक ख़रीदा है कुही के लिए, वो भी है। और एक फ्रॉक है, ये देखिए, ये काफ़ी प्यारा सा प्रिटी सा फ्रॉक है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा है, लेकिन ये कुही को बहुत ही बड़े हो रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये कुही को अच्छे से फिट आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। आपको एक टिप्स देती हूँ, जो बेबी का जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं, कुछ ड्रेस ऐसा होता है कि आप फोल्ड करके उसको नहीं रख सकते, वो अपने आप ओपन हो जाते हैं और फिर नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरीके का जो ड्रेस होता है, जैसे कि ये वाला ड्रेस, इसको मैं फोल्ड नहीं कर सकती। इसको अगर मैं फोल्ड करूँगी तो ये अपने आप इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी फैंसी है, काफ़ी मतलब फूला हुआ है, तो इसलिए। और इस तरीके के ड्रेस को आप ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस तरीके के छोटी छोटी बेबी हैंगर्स भी मिलते हैं, तो ये आप खरीद कर लाइए और अपने बेबी के ड्रेस को इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हैंगिंग करके रख सकते हैं। तो ये वाला हैंगर्स मैंने ऑनलाइन परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, और काफ़ी मुझे इससे अच्छा हुआ है। काफ़ी सारा फैंसी ड्रेसेस है, और बेसिकली बेबी गर्ल के पास ही फैंसी ड्रेसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके का हैंगर्स खरीदा है। और बेबी का जो कपड़े है वो बहुत ही छोटे छोटे सा होते हैं, तो उसको अगर हम लोग फोल्ड करके रखें तो वो मैसी हो जाते हैं, या फिर अपने आप उसको ओपन हो जाते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैंगर्स लेकर सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तो वार्डरोब के जो ओनर है कुही अभी सोकर उठ गए हैं, अच्छे से आप लोगों के साथ ये शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ उसके वार्डरोब ऑर्गेनाइज टिप्स। तो ओके, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। यहाँ पे मैं रखती हूँ कुही के शूज़ वगैरह इस पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इतना सा हाइट पे कुही का सारा सामान, सारा कपड़े आ जाते हैं इस हाइट पे, तो नीचे में थोड़ा सा स्पेस है, तो उस स्पेस को मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यूज़ की है। यहाँ मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुही का हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स एंड डायपर्स भी मैंने रखा है, फिर जूते भी रखा है, फिर कुही के बिप्स और हैंकिस भी रखा है। तो किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है, मैंने क्रॉकरी खरीदी थी तो उसके बॉक्स है ये, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है, तो मुझे इसको फेंका नहीं गया मुझसे, तो मैं कभी कुछ कर लूँगी ऐसा सोचकर मैंने इसको रख दिया था, लेकिन मैं जब कुही का वार्डरोब में जब ऑर्गेनाइज कर रही थी तब मुझे ये काम पे आ गई। यहाँ पे मैंने रखा है कुही का हैंकीस, यहाँ पे देखिए कुही के हैंकीस है, और दो सॉक्स भी हैं यहाँ पे, और ये कोई के सारा पिप्स है। तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मैंने रख दिया है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, और उसी के साथ ही साथ ये है कुही के सूप के बॉक्स। तो ये एक कुही का खिलौना के बॉक्स है, जिसको मैंने इस बैग से कवर अप कर दिया है, फिर ये प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज बॉक्स जैसा बन गया एकदम जीरो बजट से। तो और यह इस पे सारा कुही का जूता, सैंडल्स वगैरह, शूज वगैरह है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइज बॉक्सेस यूज़ की है, सारा की सारा मैंने कपड़े का बॉक्स या फिर इस तरीके का बॉक्स यूज़ किया है, कुछ भी एक भी बॉक्स मैंने ख़रीदा नहीं है। जो चीज़ मुझे बिना खरीदने से भी हो रहे हैं, वो चीज़ मैं क्यों खरीदूँ, तो इस तरीके से सोच कर ही मैंने ये सब ऑर्गेनाइज बॉक्सेस यूज़ की है। और वैसे भी अभी कुही थोड़े थोड़े करके बड़े हो रहे हैं, तो छोटू सा अगर मैं ऑर्गेनाइज बॉक्सेस खरीद सकती हूँ, लेकिन बाद में वो सब काम पे नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने अभी उसके लिए ऑर्गेनाइज बॉक्सेस नहीं ख़रीदा है। और मेरे पास जो भी बॉक्सेस अवेलेबल है वो भी मैंने यूज़ की है। और अंदर में है ये एक ऑर्गेनाइज बॉक्स है, जो मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था, अभी ये मेरा काम में नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से ही होते हैं, तो इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं है ऑर्गेनाइज बॉक्सेस। तो ये जब मेरे काम पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने कुही का जितना भी हेयर बैंड्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है इस बॉक्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके।
फिर नेक्स्ट आते हैं इस ऑर्गेनाइज बॉक्स पे। ये मैंने खरीदा था किक्स गौतम के लिए, गौतम ऑफिस से आने के बाद उसका जो वॉलेट है, लाइसेंस वगैरह है, फिर गाड़ी की चाबी या फिर कुछ भी हैंकी मार्क्स जो भी कुछ ऑफिस से आने के बाद इधर उधर वो रख देते हैं। तब मैंने ये ऑर्गेनाइज बॉक्स खरीदा था कि इसके अंदर ये रखे सब कुछ ताकि मैसी ना लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसको खरीद कर। वो तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑर्गेनाइज एज ए ऑर्गेनाइज मैंने कुही का डायपर्स रखने के लिए यूज़ की है, लेकिन अभी यहाँ पे डायपर्स ख़त्म हो गया है, एक ही डायपर्स है। ओके, तो नीचे में देखिए, नीचे में भी मैंने इस तरीके का ही बॉक्सेस यूज़ की है, सब कॉटन का और शर्ट का बॉक्सेस है जो मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे एकदम कुही का कपड़ों से भर गया है, यहाँ पे कुही का पैंतीस वगैरह है। और ये है कुही को राजस्थान से गिफ्ट आया था, और मेरी ये जो बहन बाहर रहते हैं तो उसके फ्रेंड ने कुही को दिया था बर्थडे पे, तो वो ही है राजस्थान घाघरा चोली। और ये सब कुही का जीन्स है, छोटू छोटू सा, ये सब कुही के नानी ने दिया है। और यहाँ पे भी है कुही का ड्रेस, यहाँ पे भी है सब कुछ कुही का छोटू छोटू सा ड्रेस है। और ये सब कपड़े मैं तब यूज़ करती हूँ जब हम लोग कहीं बाहर अचानक से जाए तो इस टाइप के फेस्टिवल या फिर कोई भी फंक्शन में पहनने का ड्रेस यहाँ पे नहीं रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे रहते हैं। और बाकी जो नॉर्मल ड्रेस है सब कुछ मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। नीचे में अभी मैंने कुछ रखा है जो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, अभी यहाँ पे देखिए कुही अपने काम में बिजी हो गए। इसके नीचे है, एक्चुअली मैं कुही का सामान थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के रखती हूँ। ये मिमिका मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ कुही के लिए, तो मैंने तीन मंगवाए थे, दो यहाँ पे एक यूज़ कर रही हूँ, दो है अंदर। और यहाँ पे कुही के बर्थडे के लिए हम लोगों ने जो डेकोरेशन करने के लिए सामान लाए थे यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी के लिए। और ये कुही का बेबी हेयर फॉयल है। और लॉकर पे क्या है, लॉकर पे भी कुही का स्टॉक करने वाला ही चीज़ें है, सोप क्रीम वगैरह ये सब मैं ज़्यादा ज़्यादा करके रखती हूँ। तो यही है कुही का वार्डरोब, ये है कुही का वार्डरोब। और ऊपर जो आप लोग ट्रॉली देख रहे हैं वहाँ पे पूरा फुल कपड़े है कुही का, विंटर्स का कपड़े है। जब विंटर्स आएंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपोजिट साइड में कुही का ये बास्केट है, ये जो ब्लू कलर का बास्केट है, कुही का बॉर्न हुआ ही नहीं तब ही मेरी मम्मी ने इसको खरीद लिया था। और यहाँ पे कुही का सब कुछ घर में पहनने वाला कपड़े है, सब कुछ ये सब घर पे ही कुही को मैं पहनाती हूँ। काफ़ी सारा कपड़े है कुही के पास, कुही के पास इतना सारा कपड़े। आप छोटू सा बास्केट देख रहे हैं, ये भी कुही का ही है, आप लोग को जानते ही है। यहाँ पे कुही का लोशन पाउडर क्रीम ये सब रहते हैं, ये भी कुही के नानी ने यानी कि मेरी मम्मी ने उसको खरीद कर दिया है। तो कुही का जितना भी सारा सामान है मैं इस साइड पे रखती हूँ। ये दो बास्केट कुही का है, ये वार्डरोब कुही का है, ये डायपर्स कुही का है, और ये सब डॉल्स कुही का है। लेकिन कुही को बिल्कुल भी डॉल पसंद नहीं है, इसलिए डॉल सारा यही है, इस तरीके से ही बैठे हुए रहते हैं हमेशा। और ये जो डायपर्स है मैं कुही के लिए मैमी पोको पैंट्स यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे 84 का पोको पैंट्स आते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली 96 का ऑर्डर करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे नहीं मिला तो मैंने 84 का ही ले लिया। और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, कुही का जब बॉर्न हुआ था तब से ही मैं मैमी पोको पैंट्स यूज़ कर रही हूँ, अभी एक साल हो गया है। ये काफ़ी अच्छा डायपर है और इसका प्राइस है 1249। ऑनलाइन में अगर आप परचेस करेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन में आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। तो यही सब है कुही का चीज़ें, कुही का कपड़े, सब कुछ मैंने आपसे आप लोगों के साथ शेयर की है। और मैं सोच रही हूँ कि कुही के लिए मैं एक रूम भी ऑर्गेनाइज करूँ, बेबी प्ले रूम, क्योंकि उन लोगों को भी चाहिए होता है, नहीं तो सारा रूम का हालत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि सभी रूम में खेलना चाहते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा रूम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ उसका एक एक्स्ट्रा रूम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मेरे पास तो अभी रूम अवेलेबल है लेकिन ऑर्गेनाइज भी मैंने नहीं किया है, तो उसके बाद वो जब मैं करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि देखिए फैन ऑन नहीं किया है मैंने आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो अभी कुही को मैं नहलाऊंगी, उसके बाद कुही को खाना भी खिलाना है। और कुही को देखिए यहाँ पे कुही बिजी है। तो ये देखिए कुही को मैंने नहला दिया है, कुही अभी फ्रेश हो गया।
गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग हो चुका है, अभी 5 बज गया है। तो इवनिंग का जो भी मेरा छोटा मोटा काम था वो तो मैंने कर ली है, आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अभी मैं किचन पे इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे देखिए मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ, डिनर बना करके रख दूँगी। आज मैं 2-3 दिन से ये फॉर्मूला जो है यूज़ कर रही हूँ। मैं इवनिंग के टाइम पर जब कुकीज होते हैं उसी टाइम पर मैं खाना बना लेती हूँ, तो इससे मेरा 2 फ़ायदा हो रहे हैं। एक तो डिनर हम लोग जल्दी कर रहे हैं, ऊपर से इवनिंग का जो टाइम है और खाना बनाने का टाइम जो है वो मैं किचन में नहीं बिता रही हूँ। उस टाइम को मैं किसी और काम में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर गौतम के साथ बिता सकती हूँ, या फिर हम लोग कहीं बाहर भी जा सकते हैं बिना टेंशन फ्री हो करके। तो यही मेरा 2 फ़ायदा हुआ है अभी खाना बना लेने से। तो यस, अभी मैं जितना हो सके ये फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने दोपहर को ही दाल को बॉयल करके रख दिया है, और यहाँ पे ये इसको हम लोग SMS में कोसू बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश में मुझे क्या बोलते हैं पता नहीं है, मैं गूगल पे चार्ज करके मेंशन कर दूँगी। गौतम ने लाए हैं कलरफुल फिश अगेन, और अभी एक्वेरियम पे काफ़ी सारा कलरफुल फिश हो गया है और काफ़ी सारा फिश भी हो गया है। काफ़ी ये कलरफुल एक थेरेपी बन जाते हैं। इवनिंग का चाय और नाश्ता, उसी के साथ साथ ये बन गया है हम लोगों का डिनर। तो मैं अभी स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ, और फिश को देखकर भी तो और स्ट्रेस फ्री हो गई। तो चलिए गाइस, इसी के साथ साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।